मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ जी। ये वीडियो आपने शायद कई बार देखी और सुनी होगी, पर ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है। इस चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग और एक खूंखार अपराधी है। इसके लिए जेल की दीवारें कुछ भी नहीं। अपने क्या नाम है, बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा। आज ही और उसी दिन भाग गया। इस दिन भागे क्या? हथकड़ी के कोई मायने नहीं। खून करना तो केवल शौक है। 95,000 में हजी इस्तकार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। अच्छा। फिर 62 फुटा पर क्या नाम है अमजद की हत्या करी थी मैंने। तो सोचिए कितना कठोर दिल होगा इस हंसी के पीछे। आज हम बात कर रहे हैं अपने आप को संजय दत्त का फैन बोलने वाले, अपने आप को खलनायक समझने वाले नदीम उर्फ बिल्लू सांडा की। ये वो सांडा नहीं जिसका तेल निकाला जाता है, ये वो सांडा है जो अपने डर से लोगों का तेल निकाल देता है। ये है मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। जिन पिक्चर और फिल्मों का हम आनंद लेते हैं वो किसी के जीवन में किस प्रकार अहम रोल निभा लेती है, कैसे कोई व्यक्ति इनमें अपने आप को देख लेता है, लेकिन ये व्यक्ति फिल्म की तर्ज पर गुंडा बन गया। जी हाँ, बिल्लू सांडा का जीवन भी कुछ ऐसा ही फिल्मी है, पर है असल। सांडा को बचपन से शौक है मर्डर करने का। वो कहता है कि मेरे पिता भी एक बदमाश थे और मैं भी एक बदमाश बनना चाहता। वैसे भाई के वादे और इरादे देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। क्या कहता है ये एक बार आप भी देखिए। सो गया मुझे इस चीज का बदमाशी। खलनायक जी तो क्या संजय दत्त बनना चाहते? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। बिल्लू हिरासत में लिए जाने के बाद जेल में ही ऐलान कर देता है और पुलिस को खुलेआम चुनौती देता है कि वो इस दिन भाग जाएगा, और उसी दिन वो भागता है बिल्कुल खलनायक फिल्म के बल्लू के माफे। फरार होने के बाद जब उसे पुलिस पकड़ती है तो पुलिस के सामने बिल्लू भागने की ट्रिक बताता है कि कैसे वो अपने हाथों से हथकड़ी निकाल के भाग जाता है। बिल्लू सांडा पर 3 हत्याओं सहित लूट, डकैती और रंगदारी मांगने के 16 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान बिल्लू ने बताया कि हाई कोर्ट से उसकी बेल खारिज हो गई थी और उसे सजा होने की पूरी संभावना थी, इसलिए सजा से बचने के लिए जाली तोड़कर वह भाग गया। वो इतना खतरनाक है कि पुलिस का भी उसे कोई खौफ नहीं। पुलिस कस्टडी में बिल्लू ने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा कि उसे ज्यादा समय तक पुलिस जेल में नहीं रख पाएगी, वह 6 महीने के अंदर दोबारा फरार हो जाए। कितने दिन हो गए? मुश्किल 6 महीने। 6 महीने बाद फिर हवा भाई। कोई जेल ऐसी नहीं बनी है जिसमें उसे हमेशा के लिए कैद करके रखा जाए। इसके बाद 4 जनवरी को कोर्ट में पेशी थी, लेकिन वहां पेश होने से पहले ही सांडा फिल्म स्टाइल में फरार हो गया। फिर कुतुम्बेश्वर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसको दबोचने का प्लान बनाया, सर्विस लांच में लगाया और सबदलपुर तिराहे पर धर लिया गया। वहां सांडा मर्डर करने के जुगाड़ में गया था और 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूलनी थी एक बिजनेसमैन से। पुलिस के पकड़ने के पूछताछ में बताया कि अगर वह न देता तो उसे खल्लास कर देता। इसके बाद से बिल्लू जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।